प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत प्रतिशत में चल रहे थे अपन अवमूल्यन मशीन वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, तो पहले देखो यहाँ, जैसे अभी क्रय मूल्य आ गया तो ये मत समझो कि ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, ये प्रतिशत का सवाल है। देखो क्रय मूल्य 2 लाख है, ठीक है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब घिसावट हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? 3 वर्ष जाना है, ये अभी वर्तमान में ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और से तीसरा वर्ष, तो मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 1, 2, 3, ठीक है। और 10% अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब घिसावट, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ आएगी तो 90% हो जाएगा, यहाँ आएगी तो 90% हो जाएगा, और फिर यहाँ आएगी तो इसका 90% पीछे वाले का 90% होता हुआ चलेगा आगे, ठीक है ना। ये सीधा से इसमें करना, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है 10%, तो 100% ये मानेंगे अपन 2 लाख, तो पहले साल के अंत में इस 2 लाख का 90% मिलेगा आगे ओपनिंग बैलेंस के रूप में, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, ये 2 लाख है, ठीक है, पहले साल के अंत में क्या हो जाएगा, ये पहले साल के अंत में या दूसरे साल के शुरू में, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। 2 लाख का 90% बच गया, 10% अवमूल्यन है। फिर उससे आगे क्या होगा, इस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या पोजीशन बनेगी कि ये जो इतना पूरा है ना उसका 90% हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या पोजीशन बनेगी कि यहाँ पे जो था उसका 90% हो जाएगा, यहाँ पे क्या पोजीशन बनेगी, तो यहाँ पे ये था इसका 90% अपन निकाल देंगे, ये बस इतना आंसर है, ये अवमूल्यन है, ठीक है। काटो ऊपर नीचे कितने 0 है, 2, 6 0 नीचे है, ऊपर 5 तो ये रहे और 1 ये रहा, ठीक है ना। 6 0, 6 से 6 0 कट गए, फिर क्या बच गया, 2 × 90 × 90 × 90, 3 0 आएंगे, है ना, 2 0, 2 0, ये इस ये 9 ही आएगा केवल, तो यहीं पे अपन ने ये किया हुआ है, 200 × 9 9 9, भाई 2 0 है ना, तो 2 0 मान लो इसके, 1 ग्यारह 1 ग्यारह 200 हो गया और 3 9 हो गई, ये आ गया, तो 200 का 9 का क्यूब आ गया 729, 729 को 200 से गुणा किया अपन तो आ गया 1,45,800। अब देख रहो मशीन शुरू में थी 2 लाख की, 3 लाख 3 साल के बाद उसकी कीमत होगी क्या, 1,45,800, कम हो गई, 2 लाख से 1,45,800 रह गई, अवमूल्यन हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। ये समझ के चलो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा जब अपन साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 लाख, अब देखो क्रय मूल्य का तो कोई रोल ही नहीं था, भाई क्रय मूल्य का मतलब ये कि शुरू में इसकी कीमत ये थी, क्रय मूल्य ही है, ठीक है। तो 1,45,800 सी इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपके सामने है ही, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 146, देखो पॉज करो और पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या 146, एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा था, भूखंड है ना, एक भूखंड खरीदा, भूखंड खाली प्लॉट, उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बनवाया, मतलब एक तो भूखंड प्लॉट खरीदा खाली, फिर प्लॉट में एक मकान बनवाया, ये चीज़ें, दो चीज़ें हैं। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, भूखंड में तो ठीक है ना, जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, है ना, तुम्हारी बिल्डिंग किसी काम की नहीं है, वैसे भूखंड की वैल्यू है जो है, ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ है दो चीज़ें हैं, भूखंड और मकान, तो भूखंड में तो हो रही है वृद्धि और मकान में हो रही है कमी, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, कितने समय बाद, कितने समय बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने समय बाद समान हो जाएगा, ठीक है ना। अब समान एक समय पे तो हो ही गया ना, मतलब कोई ना कोई समय आएगा तो दोनों समान होंगे, क्यों, क्योंकि एक का मूल्य बढ़ रहा है भूखंड का, एक का मूल्य घट रहा है मकान का, ऐसे। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा ये सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, हालांकि अपन आगे जब पढ़ेंगे सीरीज वाला उसमें समझ में आएगा ये, है ना, एपीजी भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन ये मान लेते हैं कि माना एन वर्ष बाद ये बराबर हो जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा अपने ब्याज के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, देखो ये तो चल रहा है इधर भूखंड और ये चल रहा है इधर मकान, बीच में लगाया अपन ने बरोबर, ठीक है ना, बरोबर मतलब दोनों का कब बराबर हो जाएगा ये अपन को निकालना है। तो इधर तो भूखंड की कैलकुलेशन है, इधर मकान की है। भूखंड का प्रारंभिक मूल्य 72,900, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही थी, है ना, तो 110/100 और ये एन लगा दिया अपन ने, ठीक है, एन मतलब एन वर्ष बाद ये इसके बरोबर हो जाएगा, किसके, इसके 1,33,100 में प्लॉट बनाया था, 10% वार्षिक दर से उसका कमी हो रही है, मतलब मकान बनाया था उसमें कमी हो रही है, तो 90% 90/100 और एन वर्ष बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो एन वर्ष माना अपन ने, ये अपन को यहाँ पे घात रखनी है, ये पावर बनानी है इसकी, ठीक है, ये वो जैसे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अपन टी लगाते हैं वो है ये, ठीक है, टाइम, ठीक है ना, एन वर्ष बाद फिर अपन बाकी तो सॉल्व भी करना कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, 110/100 ये 0-0 कट गया, इधर ये 0-0 कट गया, फिर क्या निकल के आ गया अपने, फिर अपने क्या किया, अपने क्या किया, ये जो है ना 72,900 इसका भाग दे दिया इधर ले जाके, ठीक है। और इसको ये तो ऐसा कैसे रहा 11/10, और ये जो था इधर इसको अपन इधर लिया है, ये 9/10 था, ये 10/9 हो गया, और इसको अपन इधर ले गए। कहने का मतलब NN वालों को अपन एक तरफ लिया है, 11/10 गुणा 10/9N, 11/10N गुणा 10/9N बराबर 133,100/72,900। साइड चेंज करिए, इसको तो इधर लिया है और इसको इधर लेते हैं, बात इतनी सी गई, ठीक है। फिर अब अपन को क्या करना है, अपन इधर दोनों को, इधर दोनों की अपन ने N बराबर कर दी, ठीक है ना, मतलब ये यूं तो था यार, 11/10N गुणा 10/9N यूं था ना, ये 10 से 10 कट गया, फिर क्या आ गया 11/9NN दोनों में ही, तो लगा दिया, इसको कॉमन भी अपन लिख सकते हैं ऐसे, कॉमन पावर N, ठीक है। इधर 133/729, अब देखो, अब जब ये N ऐसे में सेट हो जाता है तो अपन को ये जो ये 1331 और 929 दिख रहा है ना, ये इनके रूप में सेट करना है, कि मतलब 729 और 9 का संबंध क्या है ये निकालना है। तो 9 का जो क्यूब है ना वो 729 है, और ये 11 और 131 के अंदर क्या रिलेशन है वो निकालना है, तो 11 का ये क्यूब है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे तो एन ही लिखेंगे, और इधर इसको अपन ने लिख दिया 11/9 का होल क्यूब, 11 का क्यूब/9 का क्यूब बराबर होता है 11/9 का होल क्यूब के। अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ें वो तो आ गई सेम 11/9, तो अपने यहाँ पे एन का मान निकल के आ गया 3, ऐसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो कंपेटिवली अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यह सीखो, क्योंकि परसेंटेज जो चैप्टर में बार बार कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से कर रहा था परसेंटेज में, कि ये बेस है, परसेंटेज हर चैप्टर का बेस बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन आपके सामने देख ही रहे हो यू, ठीक है। तो एन का मान आ गया 3, ठीक है। तो ये सारा अपन एन को, एन मतलब वो समय जब, जिसके बाद या जिस समय भूखंड और मकान की वैल्यू सेम हो जाएगी, ये अपन ने एन माना, ठीक है। तो एन हो गया 3, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आपकी समझ बनाएगा, आंसर हो गया 3D, ठीक है। ये अलग कुछ भी नहीं है, जो भी नया मिले ऑब्जर्व कर लो। 146 नेक्स्ट देखते हैं, 147 क्या है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, पॉज करके पढ़ो क्वेश्चन नंबर 147। एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, 2 वर्ष पहले खरीदी थी, ठीक है। यदि 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा हो, 12.5 से नहीं घबराना है ना, 25/2 है, या 25/2% बोल दो, या 25/200% बोल दो, बात एक ही है, अवमूल्यन हो रहा है। इसका वर्तमान मूल्य 26,460 है, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था, पीछे जाना है अपने को, बैक गियर लगाना है, तो बैक गियर लगा दो तो हम जानते हैं कि वो परसेंटेज उल्टी हो जाती है। तो पहले तो देखो, अगर ये 12.5 लिखा हुआ, अगर ये केवल 12 होता तो क्या करते अपन, ये सर 12 होता तो अपन, आपने बता रखा है 100% में से 12% माइनस कर देते, तो ये 88% निकल के आ जाता, और उल्टा जाना है अपने को, तो अपन 100/88 कर देते, यही करते। अब ये रह गया 12.5, तो 12.5 में भी क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे समझाया है वैसा का वैसा आपको करना है। ये लो 12.5 है, तो क्या हो गया, ये लो 12.5, 12.5 को अपन ने सॉल्व किया, तो 12 दो 24 प्लस 1 25, 25/2 आ गया, ठीक है। 100% में से 25/2% माइनस करते हैं अपन, ठीक है, जैसे हमेशा करते हैं, 25% होता तो भी माइनस करते, 25/2 होता तो भी माइनस कर दिया, 2 लघुतम आ गया, 200% माइनस 25% आ गया आंसर, 125/2%, इसको अपन लिखेंगे 175/200, है ना, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका मान 1/100 है, तो ये नीचे अपन 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब चूंकि बैग जाना है, तो ये देखो, ये प्रतिशत यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ 175/200, यहाँ हो गया 200/175, क्योंकि उल्टा जाना है। उल्टा जाने में क्यों उल्टा करते हैं, तो पहले एक बार उल्टा चलो और पिछले के 2-3 वीडियो देखो, ठीक है। ये आ गया, अब 26,460 गुणा 200/175 गुणा 200/175 पूरा इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 540/64 जो निकलेगा 34,560। इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो है 25/2%, ये कुछ भी नहीं है समझने वाला, ये तो बिल्कुल सेकंड क्लास का काम है, ये समझो 25/2 को घटाएंगे कैसे, ठीक है, और फिर निकलने के बाद जो लास्ट परसेंटेज आएगा, वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, जिसका जिसको जिसके बेसिस पर कैलकुलेशन, 175/2 बोल दो चाहे 175/200 बोल दो, बात एक ही है, तो आंसर आ गया 34,560 B, ठीक है, ये बी, ओके। 147 नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148।
एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, ठीक है साहब, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 है वर्तमान, तो अब देखो वर्तमान आते ही सीधे से समझ लिया करो कि ये पीछे ले जाएगा अपने को, ठीक है। तो दो वर्ष बाद, पहले तो दो वर्ष बाद का मतलब पहले तो ये आगे जा रहा है, वर्तमान इतना है तो दो वर्ष आगे जाना है, क्या होगा, दो वर्ष पूर्व मतलब पहले, सॉरी दो वर्ष पहले, दो वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो पहले तो ये अपन को आगे ले जा रहा है कि दो वर्ष बाद, फिर ये अपन को वर्तमान से पीछे ले जा रहा है दो वर्ष पहले, ठीक है ना, ये समझना है कितना था। तो देख लो अभी वर्तमान में कितना है, 16,200 पहले अपन निकाल रहे हैं दो वर्ष बाद मतलब आगे, 16,200 अब अवमूल्यन हो रहा है भैया कितना, 10% का, तो अपन ने 16,200 का 90% दो बार निकाल दिया, ठीक है, 162×81, तो आंसर आ गया अपने पास 13,122 रुपये। 16,000 की थी, करीबन 16,000 की थी, जो 13,000 की रह गई, क्यों, क्योंकि मतलब दो वर्ष बाद 13,000 क्यों रहेगी, 10% का अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है पहले की, तो पहले सीधी सी बात है मूल्य बढ़ा हुआ होगा क्योंकि अपन भूतकाल के अंदर जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाते हैं तो अपन को पता है कि अपन इस प्रतिशत को उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, ये तो क्या हो गया, दो वर्ष पूर्व 16,200 गुणा 100 बटा 90, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अपन ये आ जाएगा 200 × 100 और आंसर आ जाएगा 20,000। तो जो वर्तमान में 16,000 की है, करीबन 200 मत बोलो एक बार, वर्तमान में 16,000 की है, वो दो साल पहले 20,000 की थी, ये सेकेंड हैंड खरीदी होगी, ऐसे है ना, वर्तमान में 16,200 सेकेंड हैंड खरीदी होगी, दो वर्ष पूर्व से कीमत थी 20,000, तो देखो दो वर्ष पूर्व थी 20,000, वर्तमान में 16,200 और दो वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 13,122, है ना। ये तीनों को जब आप एक एक नज़र से देखोगे, 20,000, 16,000 और 13,000, तो आपको ये अवमूल्यन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, 20,000 की 16,000 हो गई, 16,000 की 13,000 हो गई, ऐसे अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वर्तमान में 20,000 है, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, वर्तमान में 20,000 है तो तीन साल बाद तो 16,000 हो जाएगी और फिर अगले 3 साल बाद 13,000 हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे निकालो कि वर्तमान में, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, निकालो कि वर्तमान में 20,000 है उसकी कीमत, तो 6 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी यदि उसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता हो, है ना। तो कुछ नहीं करना भाई, इसका 90% जो है 90/100, क्योंकि आगे जा रहे हैं 6 साल बाद, 6 बार 90/100 निकालना, निकाल के देखो कि आंसर आता है कि नहीं आता, ये 13,122, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, 20,000 की है वर्तमान में तो 6 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी, बाद मतलब आगे, है ना, भविष्य में कितनी होगी कीमत यदि उसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, आंसर आएगा 13,122, निकाल के देखना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ से ये इलेक्शन संबंधी क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको अपन नेक्स्ट फाइल में देखते हैं, है ना, यहाँ तक देखो इनको कर लो, अवमूल्यन वाला जनसंख्या वाला कंपेटिवली ईजी था, कोई इतना ज़्यादा कलिष्ट नहीं था, नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे ये इलेक्शन संबंधी क्वेश्चन, रिविजन करो, है ना, बार बार रिविजन करो, टेबल्स पर ध्यान रखो, जो बीच बीच मैंने शॉर्टकट्स बताए हुए कैलकुलेशन के उनके बताओ, उनको याद रखो, कॉन्सेप्ट का तो मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया देखो, और अपने जो अपन ने MKFK मैंने कराया था मूल्य खपत खर्चा, उनको बार बार रिवीजन करो टेबुलर फॉर्म में। कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये ट्री मेथड से कर ले मूल्य खपत खर्चा, कोई नहीं बेटे, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट से कभी नहीं हारोगे, ठीक है, तो करो, फिर अगले में मिलते हैं, इलेक्शन, ओके।